أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم viewers thanks for watching my youtube channel Nadeem Shokhar TV if you are new on my channel please subscribe it and press bell icon for more interesting and informative videos you can also share your comments your views your expert opinion with us through comment box jazakallah viewers Today I will discuss what are the main qualities which should be present in a researcher during conducting a good research. This is a list of 18 basic or primary qualities which should be present in a researcher at any cost during conducting a good research. Let's watch it in detail. First of all, a good researcher must have the quality to become friendly with respondents. It should have talked to them in the same language in which respondents are answering and make happy mail. सबसे बहुत ज़्यादा important जो चीज़ वो हमें देखनी चाहिए कि हमें friendly behave करना चाहिए respondents के साथ या जो participants हमारी research का हिस्सा है friendly behave करें उनके साथ और secondly ये है कि उनके साथ उस ज़बान में उस language में बात करें जिसको वो easily understand कर सकते हैं और जिसमें वो easily response कर रहे हैं हमें Secondly, if the people are not cooperative to give correct data, the researcher should not be discouraged and face the difficulties. Secondly, ये है कि अगर आपके respondents आपको correct data provide नहीं कर रहे, incorrect data provide कर रहे, inappropriate data provide कर रहे हैं, या according to the demands or requirement आपको data provide नहीं कर रहे, तो आपने discouraged नहीं होना, disheartened नहीं होना, braveness होनी चाहिए आप में. आप according to the situation आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको कैसे टैकल करते हैं उस सिचुएशन को तो कभी भी डिसहार्ड नहीं होना इसमें थर्डली रिसर्चर वुड बी गुड इफ ही हैज नो प्रेजुडिस और बायस शुड अबाउट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बट ही इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग क्लियर इंफॉर्मेशन थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमें बिफोर कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च हमें अपनी बायसनेस एक साइड पे रख देनी चाहिए अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक साइड पे रखनी है बिल्कुल न्यूट्रल होके काम करने विदाउट केयरिंग एनी बायसनेस एनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स तमाम चीजों को एक साइड पे रख के काम करना फोर्थ रिसर्चर शुड हैव द कैपेसिटी टू कलेक्ट मोर डेटा एंड मोर इंफॉर्मेशन इन लिटिल टाइम इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम इज द की फीचर ऑफ ए गुड रिसर्च कीप इन माइंड रिसर्चर को मैक्सिमम डाटा कलेक्ट करना है इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम ट्रूथफुल वेरी गुड ट्रेट कह सकते हैं क्वालिटी कह सकते हैं और बीइंग अ गुड रिसर्चर नहीं बीइंग अ गुड मुस्लिम भी हमारे में ये ट्रेट जरूर होना चाहिए रिसर्चर शुड हैव बी ट्रूथफुल इट्स आइडिया वुड बी फ्री फ्रॉम फॉल्स रिपोर्ट्स एंड सेइंग इंफॉर्मेशन बगैर किसी झूठ बोले रॉन्ग और फॉल्स स्टेटमेंट पास किए हुए सच्चाई का साथ देते हुए हमें रिसर्च करना चाहिए यह भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है गुड रिसर्चर की कीन ऑब्जर्वर इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर दैट मेक हैव द आइडियाज ऑफ कीन एंड डेप्थ ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए अटेंटिव होना चाहिए क्यूरियस होना चाहिए चीजों को एक इन डेप्थ वे में स्टडी करे केयरफुल इन लिसनिंग अटेंटिव लिसनर होना चाहिए रिसर्चर वुड बी मोर केयरफुल इन लिसनिंग ही वुड हैव द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग वेरी लो इंफॉर्मेशन इवन विजिबिंग लीस्ट टाइम कंज्यूमर जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम नॉलेज एंड मिनिमम टाइम It is a key feature of a good researcher. Economical, very important. A good researcher must have control over the economic resources. उसको अपने जो economic और financial resources है उनको limitize करना चाहिए और उनके अंदर रह के काम करना चाहिए He has the to keep finances within the limits and spend carefully. No care for disapproval of society. A good researcher have no care for approvals or disapprovals, but doing his work with zeal and
पेशेंस टू इट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन रिसर्चर को अपना काम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिग्निटी के साथ काम करना चाहिए। यह परवाह किए हुए कि आया के सोसाइटी का सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होगा आफ्टर डूइंग अ रिसर्च और ड्यूरिंग अ रिसर्च, तो उसको काम जो है अपना बगैर किसी भी परेशानी के अपना काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके लास्ट पे क्या होगा, या ड्यूरिंग रिसर्च आपके अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो इनको एक साइड पे करके बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना काम करते रहे। एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिसर्चर वुड बी अ गुड वन इफ ही हैज फुल कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट। ही मेक्स द यूज ऑफ हिज थ्योरेटिकल स्टडी इन द फील्ड ऑफ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? नो डाउट बाकी चीजें तो है साइड पे, आपके फाइनेंस है, आपके रिसर्च टूल्स हैं, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो डेफिनेटली आपकी ग्रिप उस रिसर्च के ऊपर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसके पास आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक ओशंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए और आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर फुली कमांड होने चाहिए। फ्री फ्रॉम हास्टिस ट्रीटमेंट्स, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड रिसर्चर टू मेक हिज स्टडी हास्टी एंड इनवैलिड विद रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इट स्टडी मस्ट बी बेस्ड ऑन रियलिटी एंड वैलिडिटी। रिसर्चर जो है कभी भी, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, रॉन्ग स्टेटमेंट पास नहीं करनी, हमेशा ट्रुथफुल वे में रह के आपने बात करनी है, कभी भी बुराई का साथ नहीं देना, गलत चीज का साथ नहीं देना, अच्छाई की चीज करना है काम। जो भी आप रिसर्च करें वो हमेशा इसका एक पर्पस ये होना चाहिए कि इसका जो मेन थीम है या मेन बेनिफिट है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगी, नॉट अ हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। गुड इन कॉन्वर्सेशन, सारी बात है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि द कॉन्वर्सेशन ऑफ अ गुड रिसर्चर शुड बी सिंपथेटिक एंड नॉट बोरिंग। ही मस्ट हैव द स्किल एंड आर्ट टू बी लाइक बाय द पीपल। सिंपथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, लोगों की केयर करें, लोगों का ख्याल रखें, हार्मफुल ना हो, लोगों को हमेशा फायदा दें, और सबसे बहुत जो मेन चीज है कि आप लोगों के लिए, लोगों के दिलों में अपना घर कर लें। आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए, आपका बिहेविंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि दुनिया, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दुनिया उत्ते रखो बंदिया ऐसा बैन खलोन, कोल होमे ते हसन खेलन दूर होमे तो। तो नो डाउट ये तो बीइंग अ मुस्लिम भी हमारे अंदर ये क्वालिटी होने चाहिए कि हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के, वो ऐसे होने चाहिए कि जो भी हम टाइम स्पेंड करें दूसरे लोगों के साथ, वो एक मेमोरेबल टाइम स्पेंड करें कि ताकि आपके जाने के बाद, आपकी रिसर्च करने के बाद, या वैसे एक नॉर्मल लाइफ में आपके जाने के बाद, अगर कोई एटलीस्ट आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं कर सकता तो आपको बुरे लफ्जों में भी ना याद करे। तो डेट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैव ए क्लियर टर्मिनोलॉजी। अ गुड रिसर्चर टर्मिनोलॉजी वुड बी क्लियर। इट वुड बी फ्री फ्रॉम आउटवर्ड्स टू बिकम डिफिकल्ट फॉर द रिस्पोंडेंट्स टू आंसर। टर्मिनोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं, आप अपने जिस स्केल के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, या ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो आपकी बातचीत है उसमें हमेशा बिल्कुल एक पोलाइट, एक क्लियर वर्डिंग यूज करें। कभी भी एम्बिगुअस वर्डिंग यूज ना करें कि जो कि आपके रिस्पोंडेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इटसेल्फ जो दूसरे हैं एरियाज ऑफ योर रिसर्चर, मतलब आपके जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। हमेशा अपने वर्ड्स को क्लियर करें। ट्रेंड इन रिसर्च टूल्स, रिसर्चर इज इम्पॉसिबल विद द टेक्निक्स एंड टूल्स, सो इट शुड बी बेटर फॉर ए रिसर्चर टू नो अबाउट द यूज ऑफ दीज टूल्स। जाहिर बात है ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक स्टूडेंट इम्तहान देने के लिए चला गया, उसको उसके पास ना तो नॉलेज है, ना उसको पता है किस चीज का पेपर है, ना उसके पास पेन है। इसी तरह ये है, अगर रिसर्चर कोई कर रहा है काम तो डेफिनेटली उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिसर्च कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसके पास मेथोडोलॉजी में उसके पास क्या क्या है, उसके पास स्केलिंग क्या है, सारी ये चीजें होनी चाहिए, तो फिर ही वो एक ट्रेंड रिसर्चर हो सकता है।
ड्रेस एंड बिहेवियर सेम टू द एरिया, उसकी ड्रेसिंग उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसे ऑफर्ड हो जाए, मतलब रिसर्च किस चीज के ऊपर कर रहे हैं और जो उसकी ड्रेसिंग है, उसका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ बिहेविंग, वो टोटल ही ऑपोजिट हो जाए। तो हमेशा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, आपकी ड्रेसिंग और आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग उसके मुताबिक होना चाहिए। एनालिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट, अ रिसर्चर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटी ही मे ऑब्जर्व द सिचुएशन वेरी वेल, देन ही शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजिली। डेफिनेटली अ गुड रिसर्चर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ये कैसे होगा? सबसे पहले उसका वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ टॉकिंग, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि उसको डिफरेंट करेंगे बाकी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी से। इक्वालिटी एंड जस्टिस, अ गुड रिसर्चर शुड बिलीव ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस। एज इक्वल टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स ही मे कलेक्ट बेटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। अगेन वही बात आ जाती है, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, हमेशा इक्वल रहें, जस्टिस वे में रहें और तमाम लोगों को एक ही नजर में देखें, एक ही नजर तरीके से उनको ट्रीट करें। डेफिनेटली आप अगर किसी को अच्छी तरह या किसी को बुरा, तो डेफिनेटली आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें वेरिएशन आ जाएंगे। तो हमेशा इक्वालिटी एंड जस्टिस अपनी रिसर्च में आपके अंदर होनी चाहिए। लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा अपने तमाम व्यूअर्स को, प्लीज 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 रिस्पेक्ट यूअर पेरेंट्स इफ यू वॉन्ट यूअर चिल्ड्रंस टू। अपने वालदेन की इज्जत करें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी करें। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप बोएं कुछ और काटें कुछ और। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। जज़ाकअल्लाह।